आप इस संविधान के साथ रद्दी के कागज जैसा बर्ताव कर रहे हैं। तथाकथित आपातकाल के वक्त आप एक कानून पारित करके कह सकते हैं कि संविधान बनाने, उसकी व्याख्या करने और उस पर काम करने की पूरी जिम्मेदारी पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथों में होगी और इसमें वो लोग उनकी मदद करेंगे जिनसे खुद नेहरू सलाह लेना चाहें। बस ये सीधा साधा संशोधन विधेयक पारित कर दीजिए और फिर कर दीजिए घोषणा कि अगले 2 वर्षों तक भारत में कुछ और करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा अस्पष्ट संविधान मत बनाइए। ये साल 1951 की गर्मियों में संविधान सभा में की जा रही बहस का ब्यौरा है, जिसमें आमने सामने हैं सरकार की ओर से जवाहरलाल नेहरू और विपक्ष की तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी। विपक्ष नेता ने नेहरू को आगाह किया कि वो अपनी इच्छा को लागू करवाने की जल्दी ना करें। उन्होंने चेतावनी दी, हो सकता है कि आप अगली पीढ़ी और उसके बाद की पीढ़ियों तक भी कायम रहें, पर मान लीजिए कि कोई और राजनीतिक दल सत्ता में आ गया तो क्या होगा। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप देख रहे हैं किताबों से जुड़ा हमारा रोजाना का कार्यक्रम किताबी बातें, जिसमें होती है रोज एक किताब और उससे जुड़े रोचक प्रसंग और किस्से। इसी कड़ी में आज की किताब है वो 16 दिन, नेहरू, मुखर्जी और संविधान का पहला संशोधन, जिसे लिखा है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में पोस्ट डॉक्टरल फेलो रहे त्रिपुरदमन सिंह ने। वो इससे पहले नेहरू भारत को परिभाषित करने वाले संवाद जैसी किताब भी लिख चुके हैं, जिस पर हमने उनके साथ तफसील से किताब वाला में बात की थी। उसका लिंक भी आपको सुविधा के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 1951 में हुए पहले संविधान संशोधन पर हुई दिलचस्प बहस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले इस संविधान संशोधन की बारीकियां जान लेते हैं। नेहरू इस संशोधन से 3 लक्ष्य साधना चाहते थे। नेहरू का तर्क था कि हमने जो शानदार संविधान बनाया था, बाद में वकीलों ने उसे अगवा करके उस पर कब्जा कर लिया। 3 तरह की दिक्कतें सरकार को कोर्ट की ओर से आ रही थी, जिनसे नेहरू परेशान थे। पहला था जमींदारी प्रथा का खात्मा, जिस पर आए दिन अदालत से प्रॉपर्टी के अधिकार के तहत अवरोध आ रहे थे। दूसरा था पब्लिक सेफ्टी एक्ट का बेजा इस्तेमाल और तीसरा था आरक्षण पर सरकार और कोर्ट का मत अलग अलग होना। नेहरू का तर्क था कि उनकी सरकार ने एक वादा किया था और अब संविधान उसमें रोड़े पैदा कर रहा है और जनता के लिए ये सुविधाएं मुहैया कराने के लिए इससे संविधान संशोधन की आवश्यकता है। त्रिपुरदमन यहाँ रेखांकित करते हैं कि ये सब संविधान के लागू होने के सिर्फ 16 महीने बाद हो रहा था। संक्षेप में, इस विधेयक में कई बड़े बदलावों का प्रस्ताव था। इसमें अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित करने में कुछ नए आधार जोड़े जाने का प्रस्ताव था, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, देश की सुरक्षा से जुड़े हित और दूसरे देशों के साथ संबंध, जबकि शुरुआती संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने वाले कारणों में अपमानित करने वाले लेख या कथन, मानहानि, न्यायालय की अवमानना तथा देश की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाली या तख्तापलट करने वाली कोई भी चीज शामिल थी। 3 नए अस्पष्ट प्रावधान जोड़ने का प्रस्ताव था, जिनकी व्याख्या सरकार अपने हिसाब से कर सकती थी और इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में काफी कटौती हो जाती। 2 जून 1951 को आखिरकार पक्ष में मत पड़े 228 और विरोध में मात्र 20 और इस तरह पहला संविधान संशोधन पास हो गया। अब कोई भी चीज संसद को पिछड़े समुदायों के लिए विशेष उपाय करने से नहीं रोक सकती थी। यदि ये उपाय मौलिक अधिकार के किसी प्रावधान का उल्लंघन करते, तब भी उन्हें अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। प्रस्तावित किए गए संशोधन में संपत्ति के अधिकार को सीमित करने और जिम्मेदारी उन्मूलन को क्रियान्वित करने के लिए 2 नए अनुच्छेद जोड़ने का प्रस्ताव था, जिनसे सरकार को समुचित मुआवजा दिए बिना जायदाद जब्त करने का अधिकार मिल जाता और यह सुनिश्चित हो जाता कि इस तरह के अधिग्रहण का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून इस अधिकार के उल्लंघन के बावजूद निरस्त नहीं किया जा सकेगा। अंत में यह प्रस्ताव भी था कि एक विशेष अनुसूची बनाई जाए, जिसमें शामिल कानूनों को न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सके, फिर चाहे वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन ही क्यों ना करते हों। ये न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले असंवैधानिक कानूनों का एक संग्रह था और विधिवेत्ता एजी नूरानी ने इस अनुसूची को दुराग्रही इरादे से तैयार निर्लज्जता बताया था, पर प्रस्ताव आने और पास होने के बीच गंभीर बहस हुई थी। अपने दिलचस्प और जोशीले भाषण के आखिर में मुखर्जी ने अपने साथी सांसदों को पुकारा कि वो संविधान की रक्षा के लिए खड़े होकर आजाद भारत के लोगों की आजादी में इस घुसपैठ का विरोध करें और इतिहास में लिखे जाने वाली दुखांतता ये होगी कि जिस वक्त आजादी छीनी जा रही थी और जिन लोगों के हाथों में ये थी, वो वक्त रहते उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाने में नाकाम रहे। मुखर्जी ने नेहरू के बताए कारणों को खारिज करते हुए लिखा कि वो कमजोर और पंगु हैं, जिन्हें गवारा नहीं किया जा सकता।
मुखर्जी के भाषण ने लोगों में जोश भर दिया और गैर कांग्रेसी सांसदों ने बार बार मेजें थपथपाकर उनकी तारीफें की। उन्होंने कहा कि यह संविधान के मौलिक सिद्धांतों की जड़ें काटने जैसा है। त्रिपुर दमन लिखते हैं कि यह भारतीय इतिहास का बहुत नाटकीय काल था, जिसमें नेहरू और कांग्रेस पार्टी के लोग मौलिक अधिकारों में कटौती करने पर आमादा थे और मुखर्जी और आरएसएस के लोग व्यक्ति की आजादी और नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। मुखर्जी के साथ इसमें एक और नाम शामिल था, वो था एम आर जयकर का, जो एक हिंदू राष्ट्रवादी थे। एक दफा तो सरदार पटेल ने नेहरू को श्यामा प्रसाद मुखर्जी के खिलाफ देशद्रोह का अभियोग लगाने से रोका था। नेहरू ने अंबेडकर को खत लिखकर संविधान में संशोधन की इच्छा जाहिर की। दो दिन बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बीमारी की वजह से बिस्तर पर रहने वाले सरदार पटेल काफी कमजोर हो गए थे और अब पूरी बागडोर नेहरू के हाथ में थी। मंत्रिमंडल ने कानून मंत्रालय को निर्देश दिया कि भूमि सुधार, राष्ट्रीयकरण, प्रेस रेगुलेशंस, भड़काऊ भाषण और देशद्रोह के मुद्दों को परखकर संविधान का मसौदा तैयार करें। बैठक में मौजूद मौलाना आजाद, सी राजगोपालाचारी, बी आर अम्बेडकर और जगजीवन राम समेत बाकी लोग इससे सहमत थे। पटेल की सेहत तेजी से बिगड़ रही थी। त्रिपुर दमन लिखते हैं कि नेहरू की सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं था, इसलिए सरकार में ऐसा कोई नहीं बचा था जो संविधान के इन बदलावों पर सवाल खड़ा कर सके। अक्सर कहा जाता है कि भारत हमेशा सत्तावाद से आंख में चौली खेलता रहा है। सत्तावाद यानी ये विचार कि किसी सत्ताधारी की सभी बातें मान लेनी चाहिए। त्रिपुर दमन किताब खत्म करते करते लिखते हैं कि हमेशा से ऐसा नहीं था। इससे पहले भारत ने भी उदारवाद के दिन देखे थे। उस समय मुखर्जी ने नेहरू को मूल संविधान पर टिके रहने के लिए आगाह करते हुए कहा था कि वो ऐसे कानूनी औजार बना रहे थे जिसे उनके विरोधी एक दिन उनके खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और उनका या उनके जैसे विचार वालों का शासन हमेशा कायम नहीं रहेगा। ये चेतावनी हर सरकार और हर नागरिक को याद रखनी चाहिए। इन संशोधनों से नाराज एक युवा वकील राजेंद्र सच्चर, जो कि बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने, उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक को एक गुस्से से भरा खत लिखकर इसे सरकार की खरी आलोचना को दबाने वाला कदम बताया। जोरदार बहस में नेहरू ने मुखर्जी पर झूठा होने का आरोप लगाया, जबकि मुखर्जी ने नेहरू को तानाशाह बताया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एच वी कामत ने अध्यक्ष जी वी मावलंकर और कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर से तीखी बहस की। इसके लागू होने के बाद कई असहमतियां सामने आई। कानून मंत्री बी आर अम्बेडकर ने तो राजगोपालाचारी जितना इंतजार भी नहीं किया था। संशोधन के कुछ महीनों के भीतर ही हिंदू कोड बिल पर नेहरू को झुकाने में नाकाम रहने, कांग्रेस के रूढ़िवादी खेमे का अड़ियल रुख झेलने और सरकार के भीतर खुद को अलग थलग और अकेले पा रहे अम्बेडकर को मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने आर्टिकल 31 में व्यापक बदलावों तथा संपत्ति के अधिकार में कटौती के प्रारूप को तैयार किया, जिसमें उसे न्यायिक समीक्षा से आजाद रखना भी शामिल था। उन्होंने इसे पारित कराने में सहायता की थी, लेकिन अब खुद अंबेडकर ही उत्तर प्रदेश और बिहार के जमींदारों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उन्हीं जमींदारी कानूनों के खिलाफ दलील देने के लिए खड़े हुए जिन्हें उन्होंने संविधान के विरुद्ध जाकर सुरक्षित बनाने में मदद की थी। वहां उन्होंने संविधान की भावना का हवाला देते हुए कहा कि संविधान का उद्देश्य स्वतंत्रता, न्याय और समानता स्थापित करना है तथा स्वतंत्र देश की सीमित शक्तियों वाली सरकार को उचित मुआवजे और सार्वजनिक उद्देश्य के अभाव में निजी जायदाद का अधिग्रहण करने से रोकने पर मजबूर किया जाना चाहिए। त्रिपुर दमन ने किताब में दर्ज किया है कि यह भी बहुत देर से उठाया गया बहुत छोटा कदम था। भारत के जाने माने कानूनी इतिहासकार प्रोफेसर उपेंद्र बख्शी ने इसे दूसरा संविधान या नेहरू का संविधान बताया। त्रिपुर दमन लिखते हैं कि अब अक्सर ये बात सुनाई देती है कि अभिव्यक्ति की आजादी और असहमति के अधिकार को खतरा है और सरकार की आलोचना और विपक्ष की आवाजों को खामोश कराया जा रहा है तथा गणराज्य की संवैधानिक नींव खोखली की जा रही है। बहरहाल इस शोर शराबे और कटु आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये भुला दिया गया कि ये सभी प्रश्न भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के इकलौते लम्हे से जुड़े हुए हैं, यानी भारतीय संविधान के पहले संशोधन से, जब देश और नागरिकों के राजनीतिक व संवैधानिक संबंध को नया रूप दिया गया था और नागरिक स्वतंत्रताओं में घुसपैठ के लिए दरवाजे खोल दिए गए थे। असहमति व्यक्त करने वाली आवाजों पर रोक लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार को संविधान और कानून द्वारा दी गई ये क्षमता रातों रात पैदा नहीं हुई थी। ये वास्तव में एक ऐसी कहानी है जिसकी जड़ें साल 1951 में है। जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू किए जाने और जून 1951 में उसमें पहला संशोधन किए जाने के बीच 16 महीने भारत के राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण वक्फों में से एक है, जिसमें राज और समाज के बीच संबंध और राज्य के अलग अलग अंगों को देश के समूचे सामाजिक, राजनीतिक और संवैधानिक ताने बाने, बुनियादी सामाजिक चीजें के बीच सत्ता के संतुलन को निर्णायक रूप से बदल दिया गया था।
ये उसी बदलाव की कहानी थी जिसे आपके लिए लिखा था मेरे साथी दीपक तेंगुरिया ने। आप देख रहे थे किताबी बातें। सोमवार से शुक्रवार ये सुबह 8 बजे लल्लन टॉप पर आता है। कैसा लगा आपको ये एपिसोड बताने के लिए हमारा कॉमेंट बॉक्स खुला है। अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।